नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा की सदस्य संरचना के बारे में, अर्थात राज्यसभा का जो सीटों का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार है। तो आज की कक्षा के माध्यम से आप जानेंगे कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है और किसकी सलाह पर किया जाता है, निर्वाचित सदस्य संघ शासित प्रदेशों से कितने हैं, राज्यों से निर्वाचित सदस्य कितने हैं, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार किया गया है, कितनी सीटें एक राज्य को आवंटित की गई हैं, साथ ही में सबसे युवा सांसद राज्यसभा में कौन है, बुजुर्ग सांसद राज्यसभा में कौन है, वर्तमान में महिलाओं की संख्या राज्यसभा में कितनी है, प्रथम नाम निर्देशित महिला सदस्या कौन थी, प्रथम नाम निर्देशित अभिनेता कौन थे, प्रथम नाम निर्देशित अभिनेत्री कौन थी, इन तमाम सवालों के जवाब आज की कक्षा के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। तो इन सभी सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए कक्षा को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एग्जाम की दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे राज्यसभा की सदस्य संरचना। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी साथियों, यह होगी 250। 250 में से निर्वाचित सदस्य कितने होंगे, यह होंगे 238। इसी के साथ में मनोनीत सदस्य कितने होंगे, तो मनोनीत सदस्य होंगे 12। अब हम बात करते हैं वर्तमान सदस्य संख्या की। तो राज्यसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो है 245। इसमें से मनोनीत सदस्य 12 और निर्वाचित सदस्य 233। अभी जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं इनका जो मनोनयन किया जाता है वो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य किसकी सलाह है या परामर्श पर किया जाता है या ये नाम निर्देशित करके राष्ट्रपति को किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये जो नाम निर्देशित करके राष्ट्रपति के पास कौन भेजता है, यह काम किया जाता है भारत के गृह मंत्रालय द्वारा। अर्थात गृह मंत्रालय के द्वारा जो नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं उन्हीं नामों को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है और उन्हीं सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। साथियों चलिए अब आगे बात करते हैं हम निर्वाचित सदस्यों के बारे में। निर्वाचित सदस्य सबसे पहले हम बात करते हैं संघ शासित प्रदेशों से।
तो संघ शासित प्रदेशों से कुल जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे होते हैं 8। अब 8 कहां कहां से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, यहां से 4 सदस्य निर्वाचित होते हैं। दूसरा दिल्ली की, दिल्ली से 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला है पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी से 1 सदस्य निर्वाचित होता है। इस प्रकार 4, 3, 7 और 1, 8 टोटल 8 सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। अब यहां से सवाल पूछा जाता है कि किस संघ शासित प्रदेश से राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और कितने होते हैं 4। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यदि न्यूनतम किस संघ शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, तो वो होते हैं पुद्दुचेरी से, ठीक है साथियों। अब यहां से एक और सवाल बनता है, ऐसे कितने संघ शासित प्रदेश हैं जिनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिसमें से केवल 3 ही संघ शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, अर्थात 5 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है साथियों। चलिए आगे हम बात करते हैं राज्य, राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो राज्यों से सदस्य निर्वाचित होते हैं 225। अब ये 225 कहां कहां से होते हैं, आइए हम इनको यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 यूपी, और यूपी से होते हैं 31, जो कि सर्वाधिक हैं। नंबर 2 महाराष्ट्र, यहां से 19 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। 3 तमिलनाडु, 18 सदस्य। 4 नंबर पर वेस्ट बंगाल, 16 सदस्य। 5 नंबर पर बिहार, 16 सदस्य। 6 नंबर पर कर्नाटका, 12 सदस्य। 7 नंबर पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। प्रत्येक राज्य से 11 सदस्य निर्वाचित होते हैं, अर्थात कुल कितने हो जाएंगे 33 सदस्य। इसके बाद में हम बात करते हैं उड़ीसा और राजस्थान की, तो यहां से भी जो है प्रत्येक राज्य से 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं, कुल 20 सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं केरल की, तो केरल से 9 सदस्य निर्वाचित होते हैं। आगे हम बात करें असम, पंजाब और तेलंगाना, यहां से प्रत्येक राज्य से 7 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं साथियों। अब इसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर पर झारखंड, यहां से 6 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 36 और हरियाणा, यहां से प्रत्येक राज्य से 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यसभा में। इसके बाद हम बात करें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहां से 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार आपके सामने कुल ये जो हैं 20 राज्य हो चुके हैं, आप इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे नंबर 14 पे, 8 ऐसे राज्य हैं जहां से राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से
एक सदस्य प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात प्रत्येक राज्य को एक सीट का आवंटन किया गया है। वे 8 राज्य कौन से हैं, चलिए आइए हम जान लेते हैं। सबसे पहले वे राज्य जहां से राज्यसभा में एक एक सदस्य का प्रतिनिधित्व है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 4 मिजोरम, नंबर 5 मेघालय, नंबर 6 मणिपुर, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 गोवा। जी हाँ साथियों, गोवा से भी राज्यसभा में एक सदस्य ही प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सामने पहला और आखिरी है। बहुत सी बार एग्जाम में यहाँ से सीधा सवाल पूछ लेता है, सिक्किम से राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं और गोवा से कितने करते हैं, क्योंकि बाकी तो सभी जो नॉर्थ ईस्ट के आपके जो सारे राज्य हैं वो आसानी से याद हो जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सभी को एक एक सीट प्राप्त है। लेकिन कई बार सिक्किम में कन्फ्यूजन हो जाता है, गोवा में कन्फ्यूजन हो जाता है और साथ ही में आपका जो असम है इस असम को लेकर भी काफ़ी बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि असम से कितनी सीटें हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है साथियों। और राजस्थान के जो लोकल एग्ज़ाम है उसमें ये सवाल अधिकांश बार आता है कि राजस्थान के समान राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो ये है साथियों कौन सा है, उड़ीसा। कौन सा है साथियों, उड़ीसा। ठीक है, अब हमारे यहाँ से सब जो सवाल बनता है, सर्वाधिक सीटें कहाँ से हैं, यूपी से हैं कितनी, 31, और न्यूनतम आपके सामने ये 8 राज्य हैं जहाँ से एक एक सीट है साथियों, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का सारा कंसेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आगे की जानकारी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्यों की। सबसे पहले राज्यसभा की प्रथम नाम निर्देशित महिला सदस्य कौन है, तो साथियों इसका जवाब है रुक्मणी देवी अरुंडेल, श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ साथियों, ये जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, 2 कार्यकाल के लिए नाम निर्देशित थी। पहला था 1952 से लेकर 1956 तक और दूसरा था 1956 से लेकर 1962 तक। यानी कि कुल ये जो कितने साल तक रही, आपको ये तो याद रखना है, तो आपको याद रखना है पहले तो ये कितनी बार रही, टोटल 2 बार।
कितने साल के लिए रही, तो टोटल 10 साल तक ये जो है नाम निर्देशित महिला जो है सदस्य के रूप में इन्होंने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया। अब यहाँ पे पहला कार्यकाल तो 4 साल है और दूसरा 6 साल है, इसका अंतर होने का कारण क्या है, तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि बाद में आपके मन में सवाल उठेगा तो उसका आंसर आपको यही मिल जाए। देखिए प्रारंभ में जब राज्यसभा शुरू हुआ था तो ये फुल स्ट्रेंथ यानी कि अपने पूरी सदस्य संख्या के साथ शुरू हुआ था, लेकिन इसकी जो सदस्य संख्या थी उसमें सभी सदस्य एक साथ बैठने के कारण अभी विकट समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आपको पता है कि प्रति दो वर्ष पर 1/3 सदस्य पद मुक्त होंगे और इसके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होंगे, ये प्रावधान किया गया था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब सारे सदस्य 1952 में एक साथ बैठ गए तो प्रत्येक दो वर्ष पर 1/3 सदस्य पदमुक्त तो हो नहीं सकते, क्योंकि पूरा 6 वर्ष का कार्यकाल होगा तो 1958 में सभी एक साथ स्थान रिक्त हो जाएंगे। तो इसका समाधान निकालने के लिए प्रारंभ में लॉटरी सिस्टम रखा गया, यानी कि लॉटरी निकाली जाती। कब कब, देखिए 1954 में और 1956 में दो बार लॉटरी सिस्टम के माध्यम से सदस्यों को पदमुक्त किया गया और इसके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित किए गए। 1958 में शेष जो 1/3 सदस्य बच चुके थे उन 1/3 सदस्य स्वतः ही अपने आप ही पदमुक्त हो गए। तो कितनी बार लॉटरी सिस्टम का आयोजन किया गया, दो बार। चलिए अब इधर हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर और अब हम बात करते हैं, इसी प्रकार राज्यसभा में प्रथम नाम निर्देशित अभिनेता कौन थे, तो मैं सीधा लिख देता हूं प्रथम अभिनेता। प्रथम अभिनेता थे पृथ्वीराज कपूर। अगला सवाल बनता है, राज्यसभा में नाम निर्देशित प्रथम महिला हम कहें या प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो महिला तो कौन होगी, रुक्मणी देवी अरुंडेल, और प्रथम अभिनेत्री कौन है, शकुंतला परांजे। ये लेखिका गायिका इत्यादि क्षेत्रों में इन्होंने स्वयं काम किया था, अभिनेत्री के रूप में भी काम किया है साथियों। आगे हम बात करते हैं अब राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य कौन है, ये वर्तमान की बात हो रही है साथियों, यहां आप जोड़ लीजिएगा वर्तमान में राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य कौन है, तो ये हैं एमसी मैरी कॉम। जी हां साथियों, एमसी मैरी कॉम नॉर्थ ईस्ट की जो बॉक्सर हैं उन्हीं की बात हो रही है, वर्तमान में ये राज्यसभा में जो हैं एक मनोनीत सदस्य के रूप में हैं और सबसे युवा सदस्य भी हैं राज्यसभा की। इसी के साथ वर्तमान में राज्यसभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन है, तो बुजुर्ग सदस्य हैं साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हां साथियों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिन्होंने दो बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। चलिए इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं, वर्तमान में राज्यसभा में
महिला सदस्य संख्या है। तो कितनी है साथियों, वर्तमान में महिला सदस्य संख्या है 27 और इसका वर्तमान सदस्य संख्या की दृष्टि से अगर हम परसेंटेज देखें तो वो है 11.2%, 11.2%। ठीक है, देखिए साथियों, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सवाल आपके काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। प्रत्येक तीसरे एग्जाम में राज्यसभा की सदस्य संरचना से सवाल जरूर आता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपका कोई भी आप जब एग्जाम देते हैं तो तीसरे एग्जाम में आपकी इस कक्षा से आपको एक सवाल जरूर मिलने वाला है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी सवालों को हमने कवर कर लिया है। साथ ही में एक और फैक्ट आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले ही बात की थी कि ऐसे संघ शासित प्रदेश जहां से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, कितने हैं टोटल? 5 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले उत्तर में लद्दाख है, फिर चंडीगढ़ है, इसके बाद में हम आते हैं तो आपको दादर नगर हवेली, दमन और दीव दोनों को संयुक्त रूप से एक करके मिला दिया है, टोटल 3 हो गए। इसी के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, यानी कि हमारे यहाँ पर टोटल 5 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ से राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आज की कक्षा का यही समापन करते हैं साथियों। इस कक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से अपने सभी प्रियजनों को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। एक बार पुनः नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।